गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, योर एक्सरसाइज 3.7, क्वेश्चन नंबर 3। द फ्लोर ऑफ अ रूम मेजर्स 8.25 मीटर इंटू 6.75 मीटर। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर टाइल्स ऑफ इक्वल साइज रिक्वायर्ड टू कवर द एंटायर फ्लोर। नाउ बेटा स्टार्ट। लेंथ ऑफ रूम, लेंथ ऑफ रूम इक्वल टू 8.25 मीटर इक्वल टू 825 सेंटीमीटर। ब्रेथ BREDTH ब्रेथ ऑफ रूम इक्वल टू 6.75 मीटर मीन्स 675 सेंटीमीटर। नाउ बेटा मैक्सिमम लेंथ of each of one tile equal to HCF of 825 and 675। तो 675 नाउ सब्ट्रैक्ट इट 0 12 माइनस 7 5 रिमेन 1 एंड डिवाइड 150 डिवाइड बाय 600 नाउ सब्ट्रैक्ट इट 5 एंड 7 डिवाइड बाई 150 डिवाइड बाई 75 टू जा 150 दिस इज द एचसीएफ ऑफ 825 and 675, and this is the length of one tile means each tile. So length of each tile is 75 centimeters. According to the question, now you have to find out the required tiles to cover the entire floor. So number of possible square tiles कितनी होंगी equal to area of a floor means area of room upon area of one square tile. तो एरिया ऑफ स्क्वायर, दिस इज द लेंथ एंड ब्रेथ। जब बेटा हम एरिया निकालते हैं तब हमें लेंथ और ब्रेथ की रिक्वायर होती है। तो हियर इज लेंथ 825 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 675
एंड एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल इज 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट हियर लेंथ इनटू ब्रेथ मींस लेंथ इनटू ब्रेथ 825 × 675 अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल मींस साइड स्क्वायर साइड इनटू साइड तो 75 × 75 75 बन जा 75 रिमेनिंग 7 75 75 बन जा 75 75 9 जा 675 9 जा राइट हियर। नाउ एट लास्ट 11 × 9 = 99। दिस इज द आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन दैट सॉल्व। ओके थैंक्स।